कृष्णा कृष्णा हरे हरे। वर्णमाला, वर्णों की माला है वर्णमाला। वर्णमाला में स्वर एवं व्यंजन है। स्वर उन ध्वनियों को कहते हैं जो बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता के उच्चरित किए जाते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर है। अ आ इ ई उ ऊ रु ए आई ओ औ अम आ। फिर है व्यंजन। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन है। व्यंजन के शब्द है क ख ग घ न च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह क्ष त्र ञ स। इनके हम उदाहरण देखेंगे। अनार, आ आम, ई इमली, ई ईख, उ उल्लू, ऊ ऊन, रु ऋषि, ए एकतारा, आई आईनक, ओ ओखली, औ औषध, अम अंगूर। नमः व्यंजन। क कमल, ख खटिया, ग गदा, घ घड़ियाल, ङ च चरखा, छ छड़ी, ज जलेबी, झ झरना, ञ ट टमाटर, ठ ठटेरा, ड डमरू, ढ ढकना, न बाण, त तराजू, थ थन, द दवात, ध धनुष, न नल, प पतंग, फ फव्वारा, ब बदख, भ भरनी, म मछली, य यज्ञ, र रथ, ल लड्डू, व वजन, श शलगम, श षटकोण, स सरौता, ह हथौड़ी, क्ष क्षत्रिय, त्र त्रिशूल, ज्ञ ज्ञानी, श्र श्रमिक। हिंदी के वर्णमाला संस्कृत देवभाषा देवनागरी संस्कृत से आते हैं। संस्कृत संस्कृतम बहुत ही वैज्ञानिक भाषा है। ये सभी शब्द शिव सूत्र से निर्मित है। मानव शरीर की रचना की चेतना से चिंतन से सिद्धों ने इन स्वर एवं व्यंजन की व्यवस्था एवं सूत्र निर्माण किए। क ख ग घ ङ यह क वर्ग है। क सिरिस, च छ ज झ ञ च वर्ग। उसी प्रकार त वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, क च ट त प। ये सभी वर्ग हमारे कंठ के भिन्न स्थानों से निर्मित होते हैं। यह बहुत ही अद्भुत है। कृपया ध्यान दें, क वर्ग स्वर अ आ कंठ से आते हैं। क वर्ग कंठ से आते हैं। च तालु, ट मूर्धा, त दंत, प कोष्ठ। इस प्रकार क च ट त प भिन्न स्थानों से निर्मित होते हैं इनकी ध्वनियां। आप इसकी चित्र वर्णन देख सकते हैं। धन्यवाद। वर्णमाला, वर्णों की माला है वर्णमाला। वर्णमाला में स्वर एवं व्यंजन है। स्वर उन ध्वनियों को कहते हैं जो
जो बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता के उच्चारित किए जाते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर हैं।